नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। आज का ये उज्ज्वल पाटनी शो ओखली में सिर देने की तरह है। आज के इस शो के बाद मुझे पता है मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत नेगेटिव कमेंट्स होंगे, मुझ पर पार्टी विशेष का होने का ठप्पा लगाया जाएगा, फिर भी मैं ये करने को तैयार हूं। कारण क्या बना? कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमने एक शो बनाया, उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा, पाटनी सर, भारत में ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जिसकी आप सराहना करना चाहेंगे? और जब मैंने उस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ने मुझसे चेहरे पर कहा कि सर, आपके जैसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं वो स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और मैंने निर्णय किया अब मैं एक केस स्टडी उस व्यक्ति पर बनाऊंगा जिनको मैं लगातार सुनता हूं और कामना करता हूं कि उनके जैसे पॉलिटिशियंस देश में और हों। एक ऐसा मिनिस्टर जिनको हर पार्टी प्यार करती है, एक ऐसा मिनिस्टर जिनके स्पीच को यूथ भी सुनता है, जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिनको पॉलिटिक्स से परे उनके काम के लिए देश याद करता है। और जब आप उनका स्पीच सुनेंगे, एक ऐसे राजनेता है जिनकी जबान पर अपने डिपार्टमेंट का पूरा नंबर रहता है, कहाँ क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा किस डेवलपमेंट के स्टेज पे है, जो भरी पब्लिक में अपने ही डिपार्टमेंट की धुलाई करने से नहीं हिचकते, जिनके दरवाजे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर चला जाता है और दिल से अपनी बात रखता है, जो किसी की ना नहीं सुनते, यदि आप ना कहेंगे तो वो किसी और से अपना काम करा लेंगे, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिनके बर्थडे को आम आदमी सेलिब्रेट करता है, ऑल पार्टीज मिलके सेलिब्रेट करती है। मैं बात कर रहा हूं भारत के फ्लाईओवर मैन की, रूरल कनेक्टिविटी मैन की, ईवी मैन की, फास्टैग मैन की। और ये सब नाम सिर्फ एक आदमी को मिले हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी। और यदि इस क्षण आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करने वाले और आप यहां कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा लिखें, आपको मैं कह दूं, सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाली देना एक नागरिक का काम नहीं है। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पॉलिटिशियन की सराहना भी हमको करनी होगी। और मैं चाहता हूं आज हर व्यक्ति इस उज्ज्वल पाटनी शो को पूरा अंत तक देखे, क्योंकि यदि आप भारत से प्यार करते हैं तो आपको ऐसे ही नेताओं को चुन कर लाना पड़ेगा। और दोस्तों, आज का एक क्रांतिकारी शो उज्ज्वल पाटनी YouTube चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। 450 से ज्यादा शोज आपका इंतजार कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बायोग्राफीज आपका इंतजार कर रही है। और सबसे खास बात, यदि आपको ऑडियो का मजा आता हो तो Spotify डाउनलोड करें। हर उज्ज्वल पाटनी शो 48 आवर्स पहले द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के नाम से Spotify पर आता है। Spotify डाउनलोड करें, शो को फॉलो करें और आज के इस शो को भारत के लिए ईमानदारी से देखें। I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। क्यों लोग नितिन गडकरी जी की तारीफ करते हैं? क्या है उनका पास्ट रिकॉर्ड? क्या है उनकी सफलताएं? ये बताऊं, उसके पहले उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है भाई, उनके दावे क्या हैं। और मजाक नहीं कर रहा हूं, यदि नितिन गडकरी जी को छोड़कर कोई भी ये दावे करता है ना, पूरा देश हंसता, मीम्स बनती। लेकिन नितिन गडकरी जी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ना, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो देख रहे हैं, अरे यार हो भी सकता है, उनके दावे क्या है? वो कहते हैं आने वाले कुछ सालों में भारत की निर्भरता, खासकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की निर्भरता, पेट्रोल और डीजल पर नहीं रहेगी, क्योंकि ईवी की कीमतें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। आज जो ईवी की कीमत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग खरीदने से हिचकते हैं, ये खत्म हो जाएगा और पूरा भारत ईवी चलाएगा। और आगे बढ़ते वो कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया को निर्यात करेंगे, क्योंकि यही भविष्य है।
और बनाएंगे कैसे? हम इसको सीवेज से बनाएंगे, टॉयलेट वाटर से बनाएंगे। और जब वो ये कहते हैं, लोगों के मन में सवाल उठते हैं, लेकिन महज नितिन गडकरी हैं, करके चुप हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं? भारत का बहुत बड़ा व्यापार नदियों से होगा, इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट से होगा, और लगभग 15,000 किलोमीटर का रास्ता होगा। वो कहते हैं गंगा एकदम साफ होगी। वो कहते हैं 5 साल में 15,00,000 करोड़ रुपया हाईवे में डालेंगे। और 2024, बहुत ध्यान से सुनना, 22 चल रहा है, 2024 में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर होगा। और 5 साल के अंदर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, और हम देश को सबसे ज्यादा टैक्स देंगे। मैं आगे उनकी सफलता के किस्से बताऊं, इसके पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी बातों को सच कर दो, क्योंकि यदि ये सच हो गई, आंशिक सच भी हो गई, देश बदल जाएगा। वैसे मैं आज तक जो बोलता हूँ, वैसे पॉलिटिशियन बोलता है वो करता भी नहीं और कभी होता भी नहीं, ऐसा अनुभव लोगों को होता है। पर योगायोग से मेरा अच्छा है कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% हो जाता है, एक आधे बार कहीं छूट जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि 25 समाप्त होने के पहले ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब इन द वर्ल्ड होगा, और हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले होंगे। हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूँ, और उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। 2020 की बात है, NHAI की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन चल रहा था, और एकदम आग बबूला होके नितिन जी पूछते हैं, भाई इसमें खुशी होने की क्या बात है, सेलिब्रेशन की क्या बात है? 2008 में इस बिल्डिंग का निर्णय हुआ, 2011 में टेंडर हुआ, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और तुमने इसके लिए 9 साल ले लिए, 2 सरकार ले ली, 8 चेयरमैन ले लिए। अरे शर्म करो, इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक अजीब सी मांग करके सबको हिला दिया। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने NHAI में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13-13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं, और मालूम नहीं जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है, और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये CGM और GM के आपके जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डिले में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश IIT के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते ऐसे लोगों की बड़ी मालिका NHAI में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके CGM और जनरल मैनेजर बनाते हैं। हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं? तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। ये देखकर पूरा विभाग हिल गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। यार मिनिस्टर में ऐसा दम होना चाहिए जो खरी खोटी मुंह पर सुना सके।
जब भी सरकारी डिपार्टमेंट की बात करो, सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आता है? स्लो होगा, सुस्त होगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी होंगी, फाइल्स एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती रहेगी, कोई लास्ट डेट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। यही धारणा पीडब्ल्यूडी के बारे में थी। जब नितिन गडकरी ने 1995 से 1999 तक इस डिपार्टमेंट का दायित्व संभाला, सबसे पहले आते साथ उन्होंने कहा, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की काबिलियत पर, उनकी गुणवत्ता पर पूरा विश्वास है। पहली बार किसी ने इंजीनियर्स को इस तरीके से मोटिवेट किया। नतीजा क्या हुआ? इंजीनियर्स ने ऐसी मेहनत की कि आज तक जो परिणाम नहीं आए थे वो आने लगे, और वो उसके बाद फिर कभी नहीं आए। पीडब्ल्यूडी देखते ही देखते लीन मशीन हो गई, एफिशिएंट मशीन हो गई। पीडब्ल्यूडी पहला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना जहां पूरी तरीके से कंप्यूटर्स का उपयोग होने लगा। डिपार्टमेंट एक मल्टीनेशनल की तरह परफॉर्म करने लगा, यहां तक कि प्राइवेट कंपनीज की तरह। अच्छे परफॉर्मर्स को स्टेट गवर्नर के हाथ से पुरस्कार दिलाकर गडकरी जी ने मानो पूरे डिपार्टमेंट में जोश भर दिया, और नया नारा था मिनिमल ब्यूरोक्रेसी पीक प्रोडक्टिविटी। और खुला कहते थे, यदि मेरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई रिश्वत मांगे, यदि मेरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई आपकी फाइल रोके, आप सीधा मुझे कंप्लेंट करो। उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग उनसे थर्राते थे, लेकिन जो काम करने वाले थे वो कहते हैं नितिन जी के नीचे काम करने का अपना आनंद था। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहाँ भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लाइबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया हमें, कोई हम कुर्बान नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार, अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है? सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में, उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए। अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़, तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहाँ नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का, और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे, और लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनको उनके बाबू चलाते हैं, यदि बाबू ने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया नहीं हो पाएगा, मंत्री जी शांति से ठंडे हो जाते हैं। और कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं, ना नहीं सुनते, और यदि कोई मना करता है ना पैरेलल रूट खोल लेते हैं। आपको ताज्जुब होगा, कलकत्ता में हमारा एक जो पोर्ट है हल्दिया, यहाँ एक चैनल थी, वो चैनल के ऊपर हर साल हम 250 करोड़ ड्रेजिंग पर खर्चा करते थे। तो मुझे हमारा, मेरा एक IIT इंजीनियर है, मेरा OSD है, बहुत होशियार है, वो इधर उधर बोलते, उसने कहा कि दूसरी चैनल बंद पड़ी है, वो किया तो हमारा ये 200 करोड़ साल के बचेंगे। तो मैंने तुरंत चेयरमैन को कहा कि ये करो। नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी एग्जाम ही हो गए। तो मैंने उनको कहा कि इसको कोई माल पानी मिलता होगा ड्रेसिंग में, इसलिए नहीं बोल रहा है। मैंने उनके मुँह पर ही कहा उसको, मतलब तुमने कुछ मालूम है तुमको कुछ? बोले नहीं। मतलब तुमको क्या 250 करोड़ माल पानी मिल रहा है कि तुम नहीं क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने IIT चेन्नई के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया और एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को काम पे लगाया। उनने कहा ये हो सकता है, हमने वो किया। बिलीव नहीं करोगे, हमारे 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे हैं, 50 करोड़ में काम हो। यदि हमारे मंत्री
ना सुनने से इनकार कर दें, यदि देश हित में निर्णय लेने लग जाएं, यदि अपनी बाउंड्रीज लिमिटेशंस बैरियर्स को तोड़ने लग जाएं, हिंदुस्तान में ना प्रतिभा की कमी है ना संभावनाओं की कमी। मैं ये दृढ़ता से मानता हूं कि यदि भारत को डेवलप्ड नेशन बनना है तो महज लीपा पोती करके काम करने से कुछ नहीं होगा, काम में स्पीड भी होनी चाहिए, काम में क्वालिटी भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज काम में इनोवेशन होना चाहिए। एक और महाराष्ट्र तेजी से रोड बना रहा था लेकिन नितिन गडकरी जी का विजन बहुत बड़ा था, उनका फोकस इनोवेशन पे था। उन्होंने निर्णय कर लिया ये बहुत पुराना ब्रिज कोड है, इसको बदलना है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्रांति लानी है। देखते ही देखते पहली बार देश में वाइब्रेटिंग रोलर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, पेवर, रेडी कंक्रीट मिक्सर और जाने क्या क्या यूज होने लग गया, और ये सब हिंदुस्तान ने पहली बार देखा था। देखते ही देखते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल अपग्रेड हो गई और इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय कंपनियों को भी बढ़ाया। उन्होंने देखा कि सारी की सारी बिड्स फॉरेन की कंपनी से कर रही है, उन्होंने निर्णय लिया कि हम इतना आसान करेंगे इसको कि हिंदुस्तानी कंपनियां आगे आए, इसमें बिड करें और आप सोचिए ये करने के लिए मशीनरी के एडवांस दिए जाने लगे, मोबिलाइजेशन के एडवांस दिए जाने लगे ताकि फॉरेन कंपनीज के साथ वो टकरा सकें। यदि ऐसे विजनरी नेता हो जो एक तरफ इनोवेशन भी लाएं और ये भी सोचें वो इनोवेटिव काम हमारे देश की कंपनियों को मिले, तो फिर देश की तरक्की को कौन रोक सकता है। और कभी कभी मेरे मन में बड़ा सवाल आता है, क्या बाकी मंत्री बाकी नेता ये नहीं देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारे मंत्री गड़बड़ हैं, बहुत सारे और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जो कर रहे हैं वो सबको खुली आंखों से दिख रहा है, उनकी लोकप्रियता खुली आंखों से दिख रही है। अरे भाई अपना लो। मैं अपने हिसाब से जैसा मुझे रहना है वैसे रहता हूँ, जो खाना है जो खाता हूँ, जो बोलना है वो बोलता हूँ, जिसको देना है वो होड़ दे, देने वाला के भला, नहीं देने वाला का भी भला। मैं अपना काम करते रहता हूँ, कभी कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है, अच्छा कहता हो तो खुश नहीं होता, बुरा कहता तो नाराज नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उसका जो काम है उससे उसकी पहचान होती है। इतना बड़ा देश और इतने सारे गांव, रोडों पे बहुत पैसा लगना था, सरकार के पास भी कोई असीमित संसाधन नहीं होते, पैसे की कमी थी, रोड कैसे बनाएं, जो बनी हुई रोडें हैं उसको मेंटेन कैसे करें, और नितिन गडकरी जी ने एक आइडिया निकाला और उस आइडिया को मासिव स्केल पर इंप्लीमेंट करने का निर्णय किया। वो आइडिया था BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। सड़क बनाओ, बना के थोड़े साल चलाओ, चलाते वक्त उस पर टोल टैक्स वसूलो, उस टोल टैक्स से अपनी कमाई करो, सड़क का खर्चा निकालो और उसके बाद सरकार को ट्रांसफ़र कर दो, और जितने साल वो रोड से टोल ले रहे हो उसको मेंटेन करने का जिम्मा ठेकेदार कंपनी का होगा। बहुत विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि देश को बेच रहे हैं, लोगों ने कहा इतना टोल लग रहा है, लेकिन आज हर कोई धन्यवाद देता है क्योंकि आज किसी भी रोड पे जाने के पहले ये नहीं पूछना पड़ता भाई सड़क कैसी है, और गाड़ियां तेज गति से चलती है, जाने कितना फ्यूल हम बचा रहे हैं, जाने कितना एक्सीडेंट हम बचा रहे हैं, कितना ईज हो गया है देश में। और ये सब आसान नहीं था, उन्होंने जैसे कैंपेन करते हैं ना उस तरीके से पूरे देश के कोने कोने में विदेश में इन्वेस्टर मीट्स की, एसोसिएशन से बात की, कॉन्ट्रैक्टर से बात की, बिल्डर्स से बात की, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात की, और भारत में BOT लागू हुआ। आज पूरे भारत की सड़कों को यदि हम इतनी बेहतरीन हालत में देख रहे हैं तो वो BOT की देन है, और इसीलिए बहुत सारे लोग नितिन गडकरी को BOT मैन बुलाते हैं, और कभी कभी मजाक में दूसरे पॉलिटिशियन कह देते हैं कि यार यदि कोई डिपार्टमेंट सुधारना हो ना तो नितिन गडकरी को वहां पर भेज दो, अपने आप सब कुछ टाइट हो जाएगा। मैंने एक बार उनको कहा अधिकारी को, तुम नौकर हो मैं थोड़ी हूं, मैं पब्लिक से चुना हूं, मैं लोगों के लिए जिम्मेदार हूं, तुम चोरी करते हो तो मैं कहूंगा चोर लोग। आज सुबह मेरे RTO ऑफिस की मीटिंग हुई, ऐसे ही गड़बड़ा करते थे, आज वो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए थे, मैंने बोला तुम ये 8 दिन में सुलझाओ नहीं तो मैं लोगों को बोलूंगा कायदा हाथ में लो और धुलाई करो करके। मेरे गुरु ने यह सिखाया कि जो व्यवस्था तुमको न्याय नहीं देती उसको उखाड़ के फेंक दो। यदि किसी भी करंट अफेयर्स की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से पूछेंगे
भारत का फ्लाईओवर मैन कौन है? बिना एक क्षण देर किए वो कहेगा नितिन गडकरी। ऐसे नाम यूं ही नहीं पड़ते। मैं स्वयं इसका साक्षी हूं क्योंकि मेरा मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र से हुआ। चाहे नागपुर को देखिए, पुणे को देखिए और मुंबई में तो 55 फ्लाईओवर्स बना के तहलका मचा दिया। पूरा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इनके दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है। लेकिन खास बात यह है, महज संख्या बल नहीं बढ़ाया, इन्होंने रोडों में आइडेंटिफाई किए कि एक्सीडेंटल स्पॉट्स कौन से। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिन्होंने महाराष्ट्र में 25,000 स्पॉट आइडेंटिफाई किए। 20 करोड़ के बजट से इन्होंने उन स्पॉट्स को करेक्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नीचे आ गए। यह महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में पहला प्रयोग था और इससे यह पता लगता है बंदा कितना विजनरी। मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर आप एक ही करो आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं कॉस्ट कितनी है क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा, ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है पर इमोशनल हाथ दबा कर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकार ने बताया कि सर आपको पता ही है ब्रिज कितने कीमत का है। बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज ये कितना अच्छा काम हुआ, हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से ताकि ये घूमते रहे। क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो दो बीम दिख रहे हैं आपको इसके इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है ये दो पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है। क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है और अध्यक्ष महाराज हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई, वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया। 13,736 रिमोट विलेज, सुदूर गांव, आजादी के बाद से यहां तक सड़क नहीं पहुंची थी और जिस स्पीड से काम चल रहा था यदि वैसे ही चलते रहता तो 350 साल और लगते। नितिन गडकरी जी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को हाथ में लिया और पता है इसीलिए बहुत सारे लोग उनको रूरल कनेक्टिविटी मैन कहते हैं। बहुत सारे गांवों में उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है और उन्होंने गवर्नमेंट से 700 करोड़ का लोन लिया। पैसे की तंगी थी तो उन्होंने कहा मुझे लोन दे दो। 700 करोड़ का लोन लेके गांवों को जोड़ दिया और गांवों की पूरी इकोनॉमी बदल गई। मेडिकल इमरजेंसीज में जो सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर जाते थे वो बड़े शहरों तक अस्पतालों तक सही समय पर पहुंचने लगे। यहां तक कि जिन नक्सल एरियाज में कोई रोड नहीं बनाना चाहता था वहां उन्होंने बीआरओ की मदद ली और पूरे नक्सल एरियाज में रोड बना दी। ये देखकर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक प्रशंसा की गडकरी जी की और इससे जन्म हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यदि आज गांव गांव में सड़क नजर आ रही है ना कहीं इसके पीछे नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए मैं भी आज हिम्मत कर रहा हूं बिना ये सोचे कि मेरे ऊपर किसी पार्टी का लेबल लगेगा। हालांकि यहां आज आपको मैं बता दूं, मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी आज इस वीडियो के रिकॉर्ड होने की तिथि तक हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं मेरी एफिनिटी किसी दल से नहीं, किसी विचारधारा से नहीं। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो किसी भी दल का हो मैं दिल से उसकी सराहना करूंगा। और आज यहां आपसे कहना चाहता हूं नितिन जी का एक भी स्पीच हम लोग नहीं छोड़ते और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो किसी दल के नहीं है उसके बावजूद वो उनके सवालों के जवाब सुनते हैं, वो अलग अलग टीवी चैनल पर जाके जब किसी चर्चा में हिस्सा लेते हैं वो सुनते हैं।
कारण उनकी बातों में एक वजन होता है। जब कोई सवाल करता है वो अंदाजी जवाब नहीं देते, वो ये नहीं कहते पूछ के बताऊंगा, खुला कहते हैं देश के किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लो, प्रोजेक्ट किस लेवल पर है, कितना बजट है, किस स्पीड से चल रहा है, कब पूरा होगा और क्या कारण से अटकाया गया है। कोई राज्य का मंत्री आ जाए, कोई पार्टी का मंत्री आ जाए, हर मंत्री का उनके यहाँ स्वागत है और हर किसी के लिए वो प्रोजेक्ट खड़े करने को तैयार है। और चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं था, चाइल्डहुड में काफ़ी गरीबी थी, माँ के सिद्धांतों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो वो मजाक बन चुके थे, बार बार चुनाव हारते, कभी छोटी मार्जिन से हारते, कभी बड़ी मार्जिन से हारते। मैं जब स्टूडेंट लीडर करके काम करता था तो हम लोग उस समय, मैं विद्यार्थी परिषद में रहता था और हमारी यूनिवर्सिटी के चुनाव हम लोग लगातार हारते थे और मैं एक बार बहुत इसमें से 4 या 6 वोटों से चुनाव हार गया। तो लगातार सिलसिला यही रहता था कि हमारी पार्टी को, विचारधारा को और हमको भी कोई रिकग्निशन रिस्पेक्ट नहीं था। तो मैं एक दिन, मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि तुम्हारा, तुम अच्छे हो पर तुम्हारी पार्टी बुरी है, तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं है और इसलिए तुम ये राजनीति छोड़ दो, अपना दूसरा कुछ काम करो। तो उतने में ही उस समय में मैंने रिचर्ड निक्सन की एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मुझे मौका मिला। उस समय वाटरगेट के कारण उनको अमेरिका में बहिष्कृत किया गया था और तब जब उनको एक वॉशिंगटन में एक अच्छे एरिया में रहने के लिए जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने भी आपत्ति उठाई थी। उस मनस्थिति में उन्होंने एक किताब लिखी थी उनकी जीवनी को, आत्मचरित्र को, और वो मैंने पढ़ा। उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था, वो वाक्य ये था कि मैन इज़ नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज़ डिफीटेड बट ही इज़ फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता पर जब युद्ध भूमि से भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो नो डिफीट इज़ द लास्ट डिफीट, हमें लड़ना पड़ेगा और हमें लड़ने की ताकत निर्माण करनी पड़ेगी। तो आज का ये उज्ज्वल पाटनी शो मैंने इसलिए रिलीज किया क्योंकि हम और आप नागरिक हर क्षण पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि अच्छे कामों की सराहना करें, अच्छे लोगों की सराहना करें। भले ही हम उस पार्टी को, उस विचारधारा को पसंद करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तालियां बजनी चाहिए और दूसरी पार्टी के हर नेता को सीख लेनी चाहिए कि पार्टी के पहले देश, विचारधारा के पहले देश है और जो देश को आगे रखेगा देश हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।